हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे श्लोक नंबर 81 तदभ्यासेन विद्यायां तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं कुमार जीवन्नेव भवेन्मुक्तः वपुरस्तु यथा तथा यावदावद् अवज्ञा स्यात् हमारे मन में नाम रूप के प्रत्ये जितनी अवगणना उपेक्षा होती रहेगी जितनी अधिक उपेक्षा होती रहेगी उतनी ही हमारी दृष्टि आत्मदर्शन जो है वो हमारा स्पष्ट होता जाएगा और जितनी हमारी आत्मदर्शन में दृढ़ता होती जाएगी उतने ही ये दोनों के प्रति हमारे मन में वैराग्य आ जाएगा। उभे त्यजेत, दोनों का त्याग हम मानसिक रूप से दोनों का त्याग हम कर देंगे। आप समझो अत्यंत आवश्यक है ये दोनों एक साथ है और इसीलिए अगले श्लोक में कहते हैं यद अभ्यासेन विद्यायाम सुस्थितायाम अयम पुमान। आप देखो जब वो मनुष्य अयम पुमान जब ये मनुष्य जो है अभ्यास है विद्यायाम सुस्थितायाम भवेत। जब ये मनुष्य अभ्यास के द्वारा ये ब्रह्म विद्या में सुस्थिता अधिक सुमानी सुष्टु पूर्ण रूप से जब वो पूर्णतः
पूर्णतः जब वो ब्रह्म विद्या में स्थिति उनकी हो जाती है, सुस्थितायाम उनकी स्थिति हो जाती है, जीवन ने वो भवे मुक्त है, जीते जी ही वो मुक्त बन गया। आप समझ, ब्रह्म विद्या में आपकी स्थिति, ब्रह्म विद्या में माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये विद्या में जब आपकी स्थिति हो जाती है, ज्ञान में जब आपकी स्थिति हो जाती है, तो वही तो जीवन मुक्ति है। आप समझ, ब्रह्म विद्या और जीवन मुक्ति दो नहीं है। आप समझ, विद्या में स्थिति होना ही जीवन मुक्ति है। फिर वपुहु यथा तथा, फिर ये उपाधि की दृष्टि से ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया, जो जैसे ही वैसे रहेगा। देखो मैं जो बार बार आपको कहती हूँ, यथा तथा माने क्या है, वेदांत आपको प्रारब्ध को नहीं बदलेगा, वेदांत देश काल को बदलने के लिए नहीं है। आप समझो, और इसीलिए विद्यारण मुनि कहते हैं वपुहु तू यथा तथा, प्रारब्ध के अनुरूप ये शरीरी उपाधि जो है जैसी है वैसी ही रहेगी। आप समझ, यथा तथा, आप समझो। देखो वेदांत में अधिकतर रुचि क्यों नहीं होती है, क्योंकि बाह्य जगत की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं है वेदांत में। प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, आपकी बीपी ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक ठीक आ जाएगा। तो ये लौकिक, जिसको हम सिद्धि कहते हैं ना, लौकिक कोई सिद्धि आपको नहीं मिलने वाली। आप समझो, लौकिक कोई लाभ नहीं है, आत्मलाभ ही लाभ है। आप समझो, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये लौकिक लाभ से हमने हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। जितना ही नाम रूप के प्रत्यय, जितना ही ये लौकिक सिद्धि या लाभ के प्रत्यय हमारे मन में वैराग्य दृढ़ होता जाएगा, उतना ही हमारे ब्रह्म विद्या की जो विद्या का जो अभ्यास है वो दृढ़ बनेगा। अब भगवान इसलिए छठे अध्याय में क्या कहते हैं, यल्लाभा न परं लाभ मन्यते अधिकम नाधिकम ततः। आत्मलाभ से ये आत्यंतिक सुख की एक बार जिसको प्राप्ति हो गई वो आत्मलाभ है, आत्मानंद की जिसको प्राप्ति हो गई उससे अधिक अन्य कोई लाभ मेरे मत में है ही नहीं। आते आप समझो, तो जिसको आत्मानंद का लाभ प्राप्त करना है उनके लिए ये लौकिक सिद्धि जिसको कहते हैं, या विशेष प्रकार की उपाधि जिसको कहते हैं, या तो विशेष प्रकार की मन की सिद्धि है। आप समझो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप समझे ठीक से, हम आगे देख के भी गए, ब्रह्मज्ञानी और सिद्ध पुरुष दो अलग बात है। ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष हो सकता है अगर इस जीवन में उन्होंने अनेक प्रकार की तपस्या की है तो, आप समझे। लेकिन जन्म से ही जिसको आत्मज्ञान में रुचि है, या तपस्या, ये कर्म में कोई रुचि ही नहीं है, तो वो ज्ञानी बन सकते हैं लेकिन सिद्ध पुरुष नहीं बनेंगे वो। आप समझ, ज्ञानी होना और सिद्ध पुरुष होना दो अलग बात है। लौकिक सिद्धि प्राप्त करना और ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करना, जीवन मुक्ति प्राप्त करना, वो अलग बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये दो अलग दृष्टि है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम। जो अन्य लोगों के लिए निशा है वो ज्ञानी के लिए दीन है। आप देखो क्यों, क्योंकि वो ब्रह्म के प्रत्यय जागृत हो गया है, और जिसके प्रत्यय, जो नाम रूप के प्रत्यय या अन्य लोग जो है जागृत है, वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए रात्रि समान की है ही नहीं। अब नाम रूप का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उनमें लाभ लाभ अलाभ क्या है। आप देखो, मान अपमान क्या है, थोड़ा सा भी किसी ने अपमान कर लिया तो उपाधि की दृष्टि से अपमान है ना, आत्मा की दृष्टि से कोई अपमान नहीं है। और स्वामी जी कहते थे कर्मयोग की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो भी क्या है, सम, आप देखो, सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो, लाभालाभ। बारहवें अध्याय में पूरे ही द्वंद भगवान ने दर्शाए है। ज्ञानी वो है कि ये द्वंद में नहीं पड़ता है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौने, निंदा है, स्तुति है, लाभ है, अलाभ है, शुभ है, अशुभ है, मान है, अपमान है, सुख है, दुख,
ज्ञानी इनमें नहीं पड़ता है, आप समझो। भगवान इसे निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, आप समझो, दूसरे ही अध्याय में संक्षेप में भगवान ने ये अधिकारी कौन है ब्रह्म विद्या के लिए संक्षेप में भगवान ने दर्शाया, उनको विस्तार फिर किया है भगवान ने चौथे अध्याय में किया है, अनेक अध्याय में फिर वो विस्तार है अधिकारी के लिए, लेकिन संक्षेप में तो भगवान ने वो दूसरे अध्याय में कर दिया है। त्रैगुण्यो विषय वेद नैस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। अब समझो ये छोटे छोटे द्वंद में मत पड़ो, छोटे छोटे द्वंद में अगर आप आपके मन को फंसा के रखेंगे तद अभ्यास है ना, तो फिर ये ब्रह्मा अभ्यास आप कैसे करेंगे, आत्मचिंतन कैसे करेंगे, आपका मन तो ये द्वंद में व्यस्त है। जितने भी अधिकारी के गुण है वो गुण जो है वो आपके मन को ये सांसारिक नाम रूपात्मक जगत से मुक्त करने के लिए है। आपको मन को ये आपके मन को ये सबसे आप मुक्त कर दो, जितना आपका मन ये नाम रूपात्मक जगत से मुक्त होता जाएगा उतने ही आंतरिक रूप से आप मुक्त हो जाएंगे। और इसलिए कहते हैं तद अभ्यासेन, जितना अधिक आप आत्मचिंतन का अभ्यास करते रहेंगे ना उतने ही आपकी ब्रह्म में स्थिति होती जाएगी। और एक बार जिस मनुष्य की ब्रह्म में स्थिति हो गई विद्यायाम सुस्थितायाम, जब मनुष्य की ये देखो सति सप्तम नहीं कहते हैं विद्यायाम स्थितायाम सत्याम, विद्या में जब उनकी स्थिति हो जाती है सुचारू रूप से उनकी स्थिति हो जाती है तो जीवन एव मुक्त भवेत, जीते जी ही वो मुक्त है, आप मुक्त हो जाएंगे, आप समझो। निर्द्वंद्व ये बहुत आप समझो आवश्यक है, ये जीते जी यहां ही आप मुक्त है। फिर वपु यथा तथा अस्तु, भले वपु ये उपाधि जो है जैसे वैसी रहे, उससे आप किसी प्रकार से भी आप कितना भी कायाकल्प करो, आप कितना भी आयुर्वेद करो, आप समझो ठीक से है? मैंने देखा है जब तक आप 60-70 के नहीं होते हैं ना तब तक ये सब ठीक है, 70 के बाद जो है ना सब उल्टा हो जाता है। आप कितना भी योग का अभ्यास करो, कितना भी प्राणायाम करो, कितने भी योगा करो, आप किसी प्रकार से ये आपको काम नहीं आएगा, आप समझो। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते, मैं ये नहीं कहती कि योग नहीं करो प्राणायाम नहीं करो, करो आप समझो। और इसलिए कहते हैं तद अभ्यासेन, तो बोले कि अभ्यास क्या है, ब्रह्माभ्यास किसको कहते हैं, सतत आत्मचिंतन हमें करना है तो सतत आत्मचिंतन किसको कहते हैं,
तो आगे के 83rd श्लोक में हम कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे, अनेक बार ये श्लोक हम देख के गए हैं। तत्चिंतनं तत्कथनं तत्चिंतनं तत्कथनं अन्यो अन्यं तत्प्रबोधनं अन्यो अन्यं तत्प्रबोधनं एतदेकपरत्वञ्च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। अभ्यासेन तो कौन्ते ये वैराग्येण च गृह्यते, जब हम कहते हैं तो आरंभ हमें वैराग्य से नहीं, अभ्यास से करना है। जितना आपका अभ्यास होता जाएगा उतना ही वैराग्य दृढ़ होगा, जितना ही वैराग्य दृढ़ होता जाएगा उतना ही अभ्यास आपका दृढ़ बनेगा। लेकिन आरंभ क्या है, आप शास्त्र श्रवण का आरंभ करो, तत्व चिंतन का आरंभ करो। एक बार शास्त्र श्रवण का आरंभ करते हैं धीरे धीरे ये सब आ जाएंगे, आप समझो। और इसलिए कहते तत्चिंतनम तत्कथनम। अगर आप एक अकेले हैं तो क्या करो, तत्चिंतनम, आप उन आत्म तत्व का चिंतन करो। लेकिन आत्म तत्व का अगर आपको चिंतन करना है, आत्म तत्व का अगर ध्यान करना है, तो शास्त्र श्रवण होना चाहिए। शास्त्र श्रवण हुआ है तभी तो आप चिंतन कर सकते हो। तत्कथनम, अगर कोई आपका सहध्याय आपके साथ है तो उनके साथ आप मिलके क्या करो, कथन करो माने चर्चा करो। तत्प्रबोधनम, अगर शिष्य आपको मिल गए तो उनको उपदेश करो आप। अधिक अन्योन्यम तत्कथनम तत्प्रबोधनम। गुरु के पास शास्त्र श्रवण करो, एकांत में बैठ के चिंतन करो, अगर सहध्याय मिल गया तो उनके साथ कथन करो, चर्चा करो। अगर शिष्य मिल गए तत्प्रबोधनम, उनको उपदेश करो, आप समझो। स्वामी जी कहते थे जब भी आपको कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए कि कोई आपके पास कुछ शास्त्र अध्ययन करने का कहेंगे, आप मना मत करो। एक है तो एक को भी आप पढ़ाओ, आपको अध्ययन कराओ। आप शास्त्र अध्ययन भी चिंतन ही है, शास्त्र अध्ययन भी हमारी स्पष्टता के लिए, हमारी स्थिति के लिए ही है, आप समझ। और इसीलिए एतदेक परत्वं च ब्रह्माद्यासं ब्रह्माभ्यासं विदुः बुधाः। तो तीन प्रकार से ब्रह्माभ्यास कर सकते हो, एकांत में आत्मचिंतन करो, सहध्याय के साथ कथन करो, और शिष्य जन जो है तो शिष्य जन के लिए आप बोध करो, उपदेश करो। यही एक परत्व, आप देखो यही एक परायणता है, किसके लिए, ब्रह्माभ्यासं बुधाः। जो विद्वत जन है कहते हैं कि इसी को ही ब्रह्माभ्यास कहते हैं। अब आमृते आसुप्ते आमृते कालम नयेत् वेदांत चिंतनम। सुप्त आसुप्ते सो जाए तब तक, आमृते मरिया मृत्यु पर्यंत, नयेत कालम आपके काल आप कैसे व्यतीत करते हैं, वेदांत चिंतनम। दद्यान्नावसरम किंचित कामादि न मनागपि, मन में काम आदि को किसी प्रकार से अवसर मत आप दे दो। जितना आप आत्म चिंतन करते रहेंगे, आप जितना ईश्वर चिंतन करते रहेंगे। देखो कई बार हम किसी को फोन करते हैं तो रिंग बजती है, एक बार दो बार तीन बार अब करते रहो, फिर अब क्या करेंगे, दो तीन बार करके अब छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि आप वो उत्तर नहीं दे रहा है। उसी प्रकार से आप समझो, काम आदि नाम ये काम क्रोध आदि जो है ना आपके मन में आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। दद्या ना अवसरम, उनको अवसर मत दो आप। मन में काम क्रोध उत्पन्न रहे उत्पन्न होते रहेंगे, क्योंकि प्रारब्ध के अनुरूप आपके मन में काम क्रोध आना ही है आप, लेकिन उनको अवसर मत दो। आप इतने व्यस्त रहो तत्व चिंतन में, ईश्वर चिंतन में, गुरु सेवा में, गो सेवा में, आप समझो।
अब इतने व्यस्त रहो कि इन सब के लिए कामादि जो है उनको अवसर ही नहीं प्राप्त हो। तो एक बार, दो बार, तीन बार वो आपको टिक टिक करेंगे, आप उत्तर नहीं देंगे, चले जाएंगे। उनको अवसर ही क्यों देते हो आप? महर्षि इसे बहुत सुंदर कहते थे, महर्षि बहुत सुंदर बात, जो साधक लोग हैं ना, महर्षि वृंदावन में काशी में रहे हैं, तो वहां पर तो अनेक प्रकार के भक्त जन, अनेक प्रकार के शिष्य, अनेक प्रकार के लोग होते हैं। अब सब तो महर्षि ने देखा है ये सब, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन, ये सब जो स्थान है हमारे भक्ति और अध्यात्म के स्थान है ये, और महर्षि ने देखा है अपने जीवन में कि कई महात्मा लोग जो होते हैं बैठे रहते हैं। इसलिए महर्षि कहते थे अगर आप साधु जीवन जी रहे हैं अपने आप को निकम्मा मत रखो। आप देखो ये कुछ करते रहो, जप करो, तप करो, शास्त्र अध्ययन करो, कुछ लिखो, किसी के साथ बैठ के चर्चा करो, यही साधु जीवन है। किसी की टीका करना, किसी पर दोषारोपण करना, किसी पर क्रोध कर, ये साधु जीवन नहीं है। अब चिंतन यही होना चाहिए हमारा, और इसलिए कहते हैं एतद् ब्रह्माभ्यासम, इसी को हम ब्रह्माभ्यास कहते हैं। एक परत्व, एक परत्व मन की पूर्णतः हम ब्रह्म परायण बन के रहते हैं। ब्रह्म चिंतन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर चिंतन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अन्य किसी प्रकार के किसी भी काम आदि को हमें अवसर नहीं देना है। आप देखो, और इसीलिए ये नाम रूपात्मक जगत का जो द्वैत है जिसमें हम सत्य बुद्धि करके बैठे हैं, ये सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी जितना ब्रह्माभ्यास करते रहेंगे। ब्रह्माभ्यास से आपकी जितनी दृढ़ता होती जाएगी उतनी ही ये जगत में जो सत्य बुद्धि है, जगत में जो महत्व बुद्धि है, जगत में जो सुख बुद्धि है, उनकी निवृत्ति हो जाएगी। वो कैसे होती है? और इसीलिए अगले श्लोक में कहते हैं, आप देखो दो है ना, एक ब्रह्माभ्यास है, दूसरा ये जगत नाम रूपात्मक जगत के प्रति हमें वैराग्य बनाना है। तो वैराग्य करने के लिए हमारा ही प्रारब्ध, हमारी ही वासना, हमारे ही संस्कार कभी कभी विघ्न बन के आते हैं, और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं वासनानेक कालीन, वासनात वासनानेक कालीन दीर्घकालं निरंतरं, दीर्घकालं निरंतरं सादरं चाभ्य अभ्यस्यमाने, सादरं चाभ्यस्यमाने, सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निवर्तते, सर्वथैव निवर्तते। अनेक कालीना दीर्घ कालम निरंतरम वासना, ये वासना एक या दो दिन की तो है नहीं। आप समझो दीर्घ काल माने क्या है? अनेक, अब अनेक कालीना माने कि जन्म जन्मांतर से हम वासना और संस्कार लेके आए हैं, हम आगे सब देख के गए, और ये जब जो सब वासना जो है ये वासना के कारण ही एकस्य अनेकाकार जगत हेतुत्व अनुपपत्ति आशंक्या, ये अनेक प्रकार से, एकमात्र नहीं है, आप समझो अनेक प्रकार की वासना हमारे मन में है जिसके कारण हमारा मन जो है स्थिर नहीं हो सकता है। द्वैत का जो संस्कार हमारे मन में है वो अधिक है, द्वैत, द्वैत की सत्यता, द्वैत में सुख बुद्धि, ये सब संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं, और दीर्घ काल से, अनेक काल माने दीर्घ काल से ये पड़े हुए हैं, और इसलिए क्या करना पड़ेगा? दीर्घ कालम निरंतरम साधारण च अभ्यास माने, दीर्घ काल से ये द्वैत और सत्य द्वैत नाम रूपात्मक जगत का हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? दीर्घ कालम निरंतरम साधारण, अब देखो बहुत सुंदर शब्द है, आप समझो दीर्घ काल माने एक या दो दिन नहीं, करते रहो, कोई समय की मर्यादा मत बनाओ,
एक वर्ष दो ऐसा समय की मर्यादा मत करो, दीर्घ काल पर्यंत करते रहो निरंतर। दोनों आवश्यक है, दीर्घ काल भी आवश्यक है और निरंतर भी आवश्यक है। अंतर मानी कि हम उसमें विभाग कर देते नहीं, निरंतर सतत, निरंतर माने सातत्य होना चाहिए। दीर्घ काल पर्यंत सातत्य से सादरम च अभ्यस्यमाने, और ये ब्रह्माभ्यास ईश्वर चिंतन के प्रति हमारे मन में आदर भी होना चाहिए। आप देखो, आप समझो, ईश्वर के प्रति हमारे मन में मात्र प्रेम भाव नहीं, आदर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही है जो आपको मोक्ष, आपके मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकता है। ये ब्रह्माभ्यास के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए। आदर होना माने कि उनको हल्के से नहीं लेना है। अब हम किसको आदर करेंगे? आदर माने कि उनको आप किसी भी प्रकार से न्यून मत समझो, छोटा मत समझो। आप समझ, भगवान गीता में यही कहते कि ईश्वर अर्पण बुद्धि जो है, ईश्वर को आप समर्पित होकर जो रहते हैं, शरणागति की जो अपनी भावना है वो इतनी दृढ़ होनी चाहिए। उतना ही नहीं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। कोई भी कर्म करो, आप तपस्या करते हो, जप करते हो, ईश्वर पूजा कर, सबके प्रति आपके मन में आदर भाव, आदर भाव माने कि उनकी महत्ता आपको होनी चाहिए। भले वो छोटा कर्म है, फिर भी उनके मन, आपके मन में उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए। क्योंकि सब छोटे से छोटा कर्म भी आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बात जो है वो कुछ परिवर्तन नहीं करती, एक छोटी बात तुरंत आपको परिवर्तन में लाती। अब समझो, तो किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को कभी छोटे से हल्के से मत लो। और जब ये ब्रह्माभ्यास है तो उनको तो कभी भी नहीं। आप देखो, ये धर्म भी वही है। आप समझो, स्वल्पमप्यसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब देखो, आप अगर धर्म में निष्ठ है तो महतो महान भय से, महान विघ्न से भी वो आपको पार उतार देंगे। अब देखो, ये गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, सागर है, बड़े बड़े जलाशय है। जलाशय कितना भी बड़ा हो, आप समझो, लेकिन अगर आपकी नाव ठीक है तो आप जलाशय को पार कर सकते हो। आप समझ रहे हो, छोटी सी नाव भी आपको गंगा पार करा सकती है। आप देखो, तो छोटा सा धर्म भी, छोटी सी आपकी निष्ठा भी आपको बहुत कुछ करवा सकती है। और छोटी सी आपकी एक गलती आपको बहुत कुछ नुकसान कर सकती है। इसीलिए कहते हैं ना, बड़े बड़े पर्वत जो है वो पर्वत के कारण आप पर्वत के ऊपर से नहीं गिरते हैं, एक छोटे से कंकण के कारण आप गिरते हो। और इसीलिए भगवान कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप आपके धर्म में निष्ठ रहो, साधु धर्म आपका है, आप साधक है तो साधक धर्म में निष्ठ रहो। आप वेदांत श्रवण कर रहे तो श्रवण में आपकी निष्ठा रखो, आप जप कर रहे तो जप में आपकी निष्ठा रखो, आदर करो। आप जो भी करते उनके प्रति आपके मन में आदर होना चाहिए। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि आप जो करें उनके उनके प्रति आपके मन में एक विश्वास, एक आदर, रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप ही अगर उनको न्यून समझते हैं तो उनका फल आपको कैसे प्राप्त होगा? और इसलिए कहते सादरम, अब
हम देख के गए आगे, जो टिट्ट भी थे वो अपने चोंच में क्या कर रही थी, सागर का एक बिंदु लेके वो किनारे पर छोड़ती थी, छोटा कार्य था करती रही, लेकिन निरंतर दीर्घ कालम निरंतरम सादरम, अपना कार्य के प्रति आपको आदर होना चाहिए। अन्य लोग आपके कार्य का आदर करते हैं कि नहीं, उनका कोई महत्व नहीं है। अन्य व्यक्ति अगर आप जो कर रहे हैं उनकी अगर वो टीका भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, तो उनको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो कर रहे हैं आप आत्मसम्मान उसको कहते हैं। आप जो कर रहे हैं अगर आपको उनके प्रति सम्मान होगा तो सामने वाले को भी सम्मान होगा ही, आप समझो। लेकिन अगर आप ही अपने बारे में न्यूनता सोचते रहेंगे तो सामने वाले आपके आपका आदर कभी नहीं करेंगे, आप समझो। आप कितना आपके प्रति आदर रखते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट इसको, आत्मसम्मान जिसको हम कहते हैं। और ये ब्रह्माभ्यास है आप देखो, तो ब्रह्माभ्यास के प्रति भी हमारे मन में आदर होना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको जीवन मुक्ति प्रदान कर सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि दीर्घ काल पर्यंत निरंतर सतत आप ये ब्रह्माभ्यास आदर पूर्वक करते रहो, सर्वथा एव निवर्तते वासना। आप सर्व प्रकार की जो वासना है, सर्व प्रकार की वासना की निवृत्ति अवश्य हो जाएगी। क्यों नहीं होगी निवृत्ति, आप समझो। सर्व प्रकार की जो वासना है, आप अगर एक अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करते रहते हो तो ये वासना की निवृत्ति भी अवश्य होती है। तो बोले ये तो ठीक है, लेकिन ये माया जो है ना, ये माया ब्रह्म के आश्रित है, और ये माया ये जगत की उत्पत्ति कैसे करती है। अब ननु ब्रह्मण एक अनेकाकार जगत हेतुत्व अनुपपन्नम, ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसमें ये अनेक जगत जो है, अनेकाकार जगत हेतु, तो अनेकाकार ये जगत जो आपने दर्शाया कि उनमें विविधता है। अब साधारण धर्म तो अस्थि भाति प्रिय है, लेकिन असाधारण जो नाम रूपात्मकम जगत जो है, उनकी जो अनेकता है, विविधता है, वो कैसे संभव हुई, तो आगे के श्लोक में कहते हैं, मृच्छक्तिवत् ब्रह्म शक्ति ही, मृच्छक्तिवत् ब्रह्म शक्ति ही अनेकानानृतान् सृजेत्, अनेकानानृतान् सृजेत्, यद्वा जीवगता निद्र, यद्वा जीवगता निद्र, स्वप्नश्चात्र निदर्शनम्, स्वप्नश्चात्र निदर्शनम्। मृच्छक्तिवत् मिट्टी में वो शक्ति है, वो संभावना है कि अनेक प्रकार के पात्र वो बन सकती है, छोटे सी कुल्ली भी वो बन सकती है, बड़ा सा घट भी बन सकती है। तो जिस प्रकार से मृत शक्ति है, मिट्टी में जो शक्ति है, संभावना जो पड़ी हुई है अनेक बनने की, उसी प्रकार से ब्रह्म शक्ति ही, ब्रह्म की जो ये माया शक्ति है, अनेकान अनृतान सृजेत, अनेक अनृत जो है, नाम रूप है, नाम रूपात्मक अनेक अनृत है, उनकी उत्पत्ति करती है वो। आप यद्वा जीवगता निद्रा, तो बहुत सुंदर दृष्टांत, देखो स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि ये स्वप्न का जो दृष्टांत है ना, अत्यंत सूक्ष्म है ये दृष्टांत, और इसीलिए यहां कहते हैं जीव गता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम्। जिस प्रकार से यद्वा, आप देखो अगर आप ये
ऐसी शंका करेंगे, ननु मृत शक्ते है सत्यत्वाद अनेक हेतुत्वाद विषम दृष्टान्त है। अब देखो तो कहेगी ये मिट्टी जिसको हम कहते हैं, तो मिट्टी का जो दृष्टांत मृत शक्ति का जो आप दृष्टांत देते हैं, तो मृत शक्ति का जो दृष्टांत है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मृद की सत्ता है और जो घट की सत्ता है वो सब सत्ता का है। आप देखो भले हम मृद को सत्य कहते हैं और घट को मिथ्या कहते हैं, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो मृद भी मिथ्या है और घट भी मिथ्या है। आप ठीक से समझो, लेकिन ब्रह्म जिसको हम कहते हैं और ये जगत जिसको ब्रह्म के आश्रित जो माया शक्ति जो है जिससे जगत नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति होती है, दोनों की सत्ता समान नहीं है। विषम है। आप देखो घड़े में मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हम समझ सकते हैं क्योंकि दोनों एक सत्ता में, लेकिन ब्रह्म है से ये माया शक्ति के द्वारा ये जगत की उत्पत्ति जो है, तो आपका जो ये मृत शक्ति का जो दृष्टांत है वो विषम दृष्टांत है। अगर आप ऐसा कहते हैं यदवा जीवगता निद्रा स्वप्नश्च, तो कहते हैं कि ठीक है ये मृत शक्ति आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जीव को जो ये अनुभव होता है निद्रा और स्वप्न का जीव का जो अनुभव होता है वो दृष्टांत आप ले लो। क्यों? स्वप्नश्चत्र निदर्शन मन की प्रतीति करवाते। देखो ये स्वप्न जगत जो है ना, स्वप्न में क्या होता है? स्वकाले सत्यवद भाति। आप जब स्वप्न देखते हैं तो आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं स्वप्न देख रहा, नहीं, आप उनको जागृत अवस्था ही मानते हैं। स्वकाले सत्यवत भाति, जब आप स्वप्न जगत का अनुभव करते हैं तो वो सत्य ही है। आप समझो प्रबोधे सती असत भवे, जब जागृत अवस्था में आप आते हैं तब ये स्वप्न अवस्था आपके लिए मिथ्या होती है। आप तो स्वप्न जगत में आप बहुत कुछ अनुभव करते हैं, काल की दृष्टि से भी वहां पर है। मांडुक्य उपनिषद में जो कारिका है वो वही तथ्य प्रकरण में यही कहते हैं कि आप स्वप्न जगत का आप दृष्टांत ले लो। क्यों? क्योंकि स्वप्न में आप जो अनुभव कर रहे हैं, आप घर है नगर है पहाड़ है पुष्प है वृक्ष है सूर्य है चंद्र है रात है दिन है गति है काल है बहुत कुछ होता है, आप सब अनुभव आप कर रहे हैं। और जब आप अनुभव कर रहे हैं तब आप उनको सत्य मान के ही चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार से मिथ्या तो बुद्धि नहीं है, किसी प्रकार से अनुरुद्ध बुद्धि नहीं है आपकी। स्वकाल है, स्वप्न काल में तो स्वप्न जो है वो जागृत ही है। प्रबोधे सती, जब तक आप जागृत अवस्था में नहीं आते हैं, जब तक आप जागते नहीं है तब तक स्वप्न अवस्था भी जागृत अवस्था सत्य है। आप देखो लेकिन स्वप्न जगत और जागृत जगत में जो है विषमता है, उसी प्रकार से ब्रह्म में ये जगत दिख रहा है जिस प्रकार से स्वप्न जगत का आप अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से या तो न्यूरोसर्जन जो है ना, हमारे मस्तिष्क का जो संशोधन करने वाले हैं, ज्ञान तंतु का संशोधन करते हैं, तो वो तो ऐसा कहते हैं कि हम जो स्वप्न देखते हैं
वो स्वप्न का अधिक से अधिक जो समय है, अब देखो वो 15-20 सेकंड ही वो मानते हैं। आप देखो ये उनका संशोधन है, सत्य है कि नहीं मैं नहीं जानती। अब समझो ठीक से, तो जागृत अवस्था की दृष्टि से वो 20 सेकंड है, लेकिन स्वप्न जगत की दृष्टि से देखते हैं तो वो 2 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 2 वर्ष भी हो सकते हैं। आप देखो तो जागृत की 20 सेकंड जो है वो 2 वर्ष है वहां पर, वो कैसे हुआ? स्वप्न जगत में कुछ भी संभव है, आप समझो। तो जिस प्रकार से ये जीव गता, आप समझो जीव गता माने कि जीव जो ये अनुभव करता है, जीव जो स्वप्न जगत का अनुभव करता है, वही जीव जब जाग जाता है तो जागृत अवस्था का अनुभव करता है। तो जिस प्रकार से स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन जागने के बाद हमें समझ में आता है कि ये सब अनिरुद्ध है, उसी प्रकार से जब आप ब्रह्म में जागते हैं तो ये जागृत अवस्था भी क्या हो जाएगी? नाम रूपात्मक जगत जो है वो भी अनिरुद्ध मिथ्या ही हो जाएंगे। आप समझोगे? और निद्रा का अनुभव है, आप देखो 2 अनुभव आप समझो, निद्रा च स्वप्न च। अब सुषुप्ति अवस्था का भी हम विश्लेषण करके गए, सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है, आप हैं, आप आनंद में हैं, सुख से आनंद से आप सो रहे हैं, कुछ भी नहीं है लेकिन आप हैं। तो जागृत अवस्था में आप है, निद्रा अवस्था में आप है, स्वप्न अवस्था में आप है, लेकिन एक अवस्था अन्य 2 अवस्था की निवृत्ति करते। तो ये निद्रा अवस्था में कुछ भी नहीं लेकिन आप आनंद में रहते हैं कि ये सिद्ध करता है, निद्रा अवस्था ये सिद्ध करती है कि ये किस जगत की किसी भी वस्तु के बिना भी आप आनंद में रह सकते हो। सुषुप्ति को अगर आप ठीक प्रमाण से समझेंगे तो ये जगत के प्रति आपके मन में वैराग्य अवश्य होगा। तो निद्रा में ये जगत है ही नहीं, स्वप्न में जो है वो अन्य प्रकार का जगत है, जागृत जगत से वो स्वप्न जगत अलग है। आप देखो तो ब्रह्म में स्वप्न जगत भी हम देखते हैं, ब्रह्म माने चैतन्य स्वरूप आत्मा। आप देखो आप जो चैतन्य है वही संपूर्ण स्वप्न जगत बन गए, आपके मन की ही एक जो वृत्ति है वो स्वप्न जगत की वृत्ति है, और वृत्ति का अधिष्ठान तो आप साक्षी चैतन्य है। तो स्वप्न जगत भी चैतन्य है, स्वप्न जगत का अनुभव करने वाले आप है वो भी चैतन्य है, और स्वप्न जगत का जो दृष्टा जो है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो जिस प्रकार से एक ही चैतन्य में चैतन्य का अनुभव करने वाली भोक्ता स्वप्न जगत भी है, स्वप्न जगत में आपकी जो उपाधि के द्वारा आप स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं वो स्वप्न जगत का भोक्ता भी आप है, और संपूर्ण स्वप्न जगत के दृष्टा भी आप ही है। तो स्वप्न में जिस प्रकार से ये संभव है उसी प्रकार से जागृत में भी संभव है। आप समझो भले एक अद्वितीय ब्रह्म है लेकिन एक अद्वितीय ब्रह्म में ये सब संभव है, जिस प्रकार से आप एक अद्वितीय चैतन्य है संपूर्ण स्वप्न जगत बन के आप अनुभव कर रहे हो, अनुभव करने वाले भी चैतन्य आप है, जिसका अनुभव कर वो जगत भी चैतन्य स्वरूप है, जगत भी चैतन्य स्वरूप है, भोक्ता भी चैतन्य स्वरूप है, और ये भोक्ता और भोग्य भोक्ता जीव जो स्वप्न जगत में है, स्वप्न जगत गत जो जीव आप है और स्वप्न जगत जो है दोनों का जो दृष्टा जो चैतन्य आप है, जो जागने के बाद आपको स्मरण होता है कि मैंने ये स्वप्न देखा, आप वो आप स्वप्न दृष्टा है। आप
स्वप्न भोक्ता और स्वप्न दृष्टा दो अलग है, तो चैतन्य तो एक अद्वितीय है, फिर भी चैतन्य में ये स्वप्न जगत भी बन गया, स्वप्न भोक्ता भी बन गया, स्वप्न दृष्टा भी बन गया। यही माया शक्ति है, आप समझो। जो एक अद्वितीय चैतन्य जो है, जिसमें अनेकता की संभावना नहीं है, वो अनेकता दर्शा रही है। और इसीलिए ये माया के द्वारा ही नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का हम अनुभव करते रहते हैं। तो जिस प्रकार से निद्रा शक्ति है, स्वप्न शक्ति है, अब निद्रा शक्ति में किसी का अनुभव नहीं है, सब का नहीं हो जाता है। स्वप्न अवस्था में एक विशेष प्रकार के जगत की उत्पत्ति होती है, जो जागृत अवस्था से बिल्कुल भिन्न है। और इसलिए कहते हैं ये सब जो है वो माया शक्ति है, वो माया शक्ति ही एक को अनेक बना देती है। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिमहेशाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।